अगर इस दुनिया में कहीं पर कोई बहुत ही ज्यादा खुराफाती और पागल लड़की बसती है तो वो यही है और यही है। अर्थवर्म से भरे केक को खाते हैं। ভয় পাচ্ছ কেন, সরে যাচ্ছ কেন? আট টাঙ্গো ওয়ালে স্পাইডার মুখে অন্দর। গড প্লিজ নো নো। গুড মর্নিং, কেসে হো আপ সব? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গাইস। মতলব আগর लगता है कि पॉटी स्टाइल फूड खाने के बाद मैं रुक जाऊंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। रुको जरा, सबर करो। आज मैं 24 घंटे के लिए खाने वाली हूँ स्पाइडर, फ्लाइज, अर्थवर्म, गंदे गंदे अजीब अजीब कीड़े मकोड़े से इंस्पायर्ड फूड। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो चलिए विदाउट फादर अडू दिन का शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का चैलेंज हम लोग अपने घर में नहीं, सबसे पहले तियाशा के घर में जाके स्टार्ट करेंगे। चलो चलते हैं तियाशा के घर और आपके साथ मिलते हैं दिन का पहला कीड़े मकोड़ों वाला ब्रेकफास्ट के साथ। देखते रहिए। आ चुकी हूँ दिन का पहला ब्रेकफास्ट के साथ, वो भी तिहाशा के घर पे। और यहाँ पर देखो हमारे पास ये फ्रेश फ्रेश ब्रेकफास्ट है, ये छोटे छोटे कपकेक्स जिसके ऊपर ये खूबसूरत खूबसूरत मोटे मोटे से कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं। मतलब ये मकोड़े देख के आपका भूख बढ़ गया है या भूख बिल्कुल घट के भाग गया है, मुझे ज़रूर कॉमेंट करें। छिपकली रे छिपकली, तेरा घर किस गली? तो गाइस मैं लेके आ चुकी हूँ कीड़े मकोड़े वाले कपकेक। सबसे ज्यादा प्रोटीन तो अर्थवर्म में होता है। ये है लंबे लंबे अर्थवर्म जो जाएगा मेरी मुंह के अंदर। नो 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 नो। ओ भाई मारो मुझे, मारो। কেন মাথায় এসব আইডিয়া আসে কোথা থেকে তোমার? ভাগ, আর্থওয়ার্ম সে ভরে কেক কো খাতে হ্যায়। বাবা না কিছু কো, চলো খাতে। নো 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 নো। ট্রাই করো, वो मोटा सा जो कीड़ा है तुम्हारे प्लेट पे उसी को खाओ, मोटे से कीड़े को। सुबह ये सब क्यों? खाओ खाओ मोटे से कीड़े को। कीड़ा कैसा लगा तुम्हें? ऐसा लगा कीड़ा का सब चर्बी तुम्हारे मुंह में गया? टेस्टी टेस्टी कीड़ा ना, कीड़ा भी इतना चॉकलेटी होता है एक पोटी के जैसा, आज ही पता चला। अगर मुझे किसी कीड़े से सबसे ज्यादा डर लगता है ना तो वो है स्पाइडर, और इसीलिए तियाशा को देखो मेरे लिए केक ऑर्डर दिया है भर भर के चुन चुन के स्पाइडर डाल के। आओ ये भयंकर स्पाइडर और इंसेक्ट इन्फेस्टेड केक को खाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। क्या आपको भी चाहिए ऐसा केक? अगर हाँ तो अब भी कमेंट करो और वीडियो में लाइक करो कि ऐसा केक आप खाओगे क्या मेरे। तो गाइस हम आ चुके हैं दोपहर का लंच लेके, और लंच पे हम लोग क्या लाए हैं आप तो देख ही सकते हो। यहाँ पर पूरा कीड़े मकोड़ों का खानदान है, और सबसे ज्यादा जो डरावना कीड़ा है ना वो क्या है पता है? बड़े बड़े आठ टांगों वाले स्पाइडर मुंह के अंदर। फिलहाल खतरनाक लंच तो मुझे ही करना पड़ेगा तुम्हारे साथ। आओ अपना कॉकरोच खाओ। सीरियसली दीदी ये तो
বানিয়ে চলে আরে সেন্টিপেডটা তুমি তোমার মুখে দাও আমি সেন্টিপেডটাও পছন্দ না একদম নো 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 ইউ বিলিভ भले ये केक से बना है पर जब मुंह के अंदर डाल रहे ना उसका टांग जो है ना मुंह के अंदर गुदगुदी दे रहा है ऐसा लग रहा है कि सच में सच्चाई में आप तुमने इंसेक्ट जो है मुंह के अंदर डाले हो मतलब इतना रियलिस्टिक तरीके से बनाया है इसको तो गाइस अभी हम वापस आ चुके हैं घर और घर में आके हम लोग खाने वाले हैं शाम की स्नैक्स सबसे खतरनाक दिखने वाला स्नैक्स ये कॉकरोच केक और ये शायद आज का लास्ट केक है डिनर में हम लोग बिल्कुल केक नहीं खाएंगे क्योंकि सुबह से मीठा खा खा के मेरे मुंह के अंदर जैसे केक का फैक्ट्री बन चुका है मैं आपको सच्ची बता रही हूँ गाइस ये वाला कॉकरोच केक देख के मुझे भूख से ज्यादा डर लग रहा है कोई आसुरा देख ले भय पाच करे छोड़ ही चुके नो सर ओचे आ गए तो के पास आ गए पागुरो देखे जिसके हम काटा का था खाओ ना ना तू खा रे हेवी खाते तू खे खा ना तो भल लागे तो तू खा भय पाइतास तो तुम्हारे আমি আশুলার মালা দিমু তোমাকে আমি আশুলার কেক দিমু না সর আমার দরকার নাই কাটিদার টাং হ্যাঁ না দেখ রে ও কাটিদার টাং ইসি টাং কো খাতে হ্যাঁ ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं सच में कॉकरोच खा रही हूँ कॉकरोच के टांग बहुत मीठा है अभी कॉकरोच के पाछू से स्टार्ट करते हैं ओह माय गॉड कॉकरोच के अंदर जो नाड़ी भूरी है सब तो निकल गया कॉकरोच का मीट लेट्स स्टार्ट This is so good. Disgusting, but so good. Hey. सुबह से तो बस यही सब ठूस रही हूँ और तो कुछ ठूस ही नहीं रही हूँ तो गाइस इसीलिए कीरा इंस्पायर्ड फूड हो और कोई कीरा ही ना खाए कैसे हो सकता है और हमारे लाइफ में हमारे खाने में सबसे बड़ा कीरा तो सिर्फ प्रॉन्स ही हो सकता है यानी पानी के कीड़े इसी प्रॉन्स को स्पाइसी तरीके से फ्राई करेंगे और स्पाइसी तरीके से बनाएंगे और पेट पूजा करेंगे मुझे लगता है प्रॉन्स के बिना ना कीरा यानी इंसेक्ट इंस्पायर्ड फूड कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता कभी नहीं हो सकता तो आप देख सकते हो मैंने जो है सॉल्ट टर्मरिक और थोड़ा सा नींबू के रस के साथ प्रॉन्स को मैरिनेट करके रखी थी और उन्हीं प्रॉन्स को अभी मैं फ्राई करूंगी और फ्राई करने के टाइम मैंने इसके अंदर दिया है हल्का सा रेड चिली पाउडर प्रॉन्स थोड़े बहुत फ्राई हो जाएंगे इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़े से प्याज एंड एक दो आपका ग्रीन चिलीज और फिर इसके अंदर ऊपर मैं ढक्कन को डाल दूंगी ताकि स्टीम में जो है प्याज और चिलीज पक जाए और उसके फ्लेवर जो है प्रॉन के अंदर बिल्कुल छा जाए और हम लोगों का जो फ्राइड प्रॉन है बिल्कुल तैयार हो चुका है लगभग आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है आई थिंक सुबह का पहला डिश है जो मीठा नहीं तीखा होने वाला अच्छा लग रहा है सुबह से मीठा खाने के बाद ये पहला तीखा चीज है मैं खा रही हूँ इट फील्स सो गुड ये वाला डिश को मैं पूरा खत्म करना चाहती हूँ
तो इसलिए मैं अभी बैठूंगी, एडिट करूंगी, खाऊंगी, खत्म करूंगी, फिर आऊंगी इस पूरे अतरंगी चैलेंज को एंड करने के लिए। देखते रहो गाइस, आज की ये इंसेक्ट इंस्पायर्ड फूड चैलेंज यही तक है। इससे ज्यादा इंसेक्ट तो दूर की बात है, आई थिंक मेरे सामने मुर्गी भी रख देगा तो उसको भी खाने का हिम्मत और मेरे अंदर नहीं होगा, क्योंकि मेरा गला ना यहाँ तक भर चुका है प्रॉन से नहीं केक से। ह्यूज थम्स अप टू दिस वीडियो, क्योंकि आप लाइक करोगे तभी ना आपके रिक्वेस्ट को मैं फिर से फॉलो अप करूंगी। बहुत ही अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।